आ लॉरेंस फड़िया पहले दो दिन माड़ी मोटी पुछगछ की उदू बाद हाथ नहीं लाया उन्हें किसी ने सुखे कालों का कतल कितने होया सी पुलिस हिरासत की बनिया केस का बरी हो गया क्योंकि इन्हों बंद हाथ जेड़े मारे जिन्ह ने सिद्धू मारे या जिन्हें पंजाब कतल होए है उन्होंने पिछे कले बंदे नहीं इन्हों के पिछे एजेंसिया भी खड़िया ने आने वाले दिनों के लॉरेंस वर्गिया कितने ले जाया जाऊ ते हार लेके जाणगे पहले केस पा के कोई माड़ा मोटा दिल्ली पुलिस जाऊगी तिहाड़ रखा जाऊगा क्योंकि तिहाड़ इन्हां लई कोई जेल नहीं है इन्हां दा घर ही है जिथों बैठे ये सारा अपना काम धंधा चलाउंदे आ जे कल नूं सिद्धू दे इंसाफ लई सानू सड़कां ते उतरना पैंदा है सानू किसे भी प्रकार का संघर्ष बिड़ना पैंदा है तो उस परिवार का साथ दिओ भाई एक जैनी कौर जाहला ने गीत गाया सी बापू बलकौर सिंह भी जिक्र करके गया उहदा गीत यूट्यूब तो हटा दिता गया किन्ने बुद्धिजीवी किन्ने लिखारी किन्ने पत्रकार जिहड़े फट के जेलों के तुन्ने होए है 80-80, 90-90 साल के बजुर्ग 147 नहीं लई फिरदे कोई उह जदों जदों लोग उठे है संघर्षों के राह पे है लोगों की अगवाई करने वाले बंदियां नूं बदनाम भी किया जाता है जेलों में भी सुटिया जाता है तो मार भी दिता जाता है ये जिहड़ा मुकदमा दे विचों मैनूं बेगुनाह किया गया है यह साडे लोगों की जित है साडे एके की जित है साडे सहयोग की जित है आ रोज आप खबर पढ़ते हैं इतों जी टिफिन बंब फड़िया गया इतों जी RDX फड़िया गया ये सब खेड आ बई क्योंकि सानू डरा के धमका के दहशत पैदा करके घर मार देना चाहते हैं तो साड़ी नौजवानी फड़ के जेलों के डक देना चाहते हैं आ CID इत्थे IB खड़ी होनी है होर CID खड़ी होनी है आ दे दो रिपोर्टा दिल्ली तक दे दो चढ़िया केजरीवाल तक के पंजाब है ये दर्शाता कि पंजाब किमें जाता है तो पंजाब ने किमें जाना है सो तानाशाही का राज है तानाशाही का जो काम भारत के अंदर मोदी कर रहा है उही काम पंजाब के अंदर आ जिहड़ी हुकूमत आपां बड़े चावां नाल बनाई सी बदलाव लई बनाई सी उन्होंने शुरू करता भरावो श्री अकाल देश पंजाब ते पंजाबीयत दे जोधियो आसमान गूंजना चाहिए ते दिल्ली कंपनी चाहिए है ते बैठे दुश्मन नूं धड़कू लगना चाहिए बुलाओ जकारा बोले राजे शी मुकदम कुत्ते कुत्ता राज बहाली है फिर चक्की चट्टे साडे गुरु साहबाना ने जो उस समय दियां हुकूमतां नूं कहा सी उस समय दे राजां बारे कहा सी मैनू लगता कि मौजूदा समय दियां हुकूमतां ने जिहड़ियां राज कर रहे राजे है उन्हां दे उत्ते बिल्कुल टकदा बह जाओ भाई बैठ जाओ बह जाओ बह जाओ भाई स्टेज वाले बह जाओ भाई क्योंकि आपां पिछलियां सरकारां दा दौर भी देखिया जदों कहा जांदा सी कि जां चिट्टा पवा लो ते जां सरोपा पवा लो जां चिट्टा पवा लो
ते जां साडा पट्टा आपदे गल च पवा लो। यह सरकार आई ये भी यही कहती है कि जां तां अपने लहू की लोह छड़ दिओ, अपने लहू की हसल छड़ दिओ, ते नहीं फिर जेलां दे विच उत्ते जाओगे। पर जदों इतिहास के पन्ने फरोलते हैं तो सामने कौन नजर आता है? बाबर नू जावर कहन वाले, ललकार नाले ओ योधे, ओ सदक ते ओ सिरड़ दी मूर्त गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जन देव पातशाह, गुरु तेग बहादुर जी सामने नजर आते ने। छेवें पातशाही गुरु हरगोबिंद साहब जी जिन्हां ने सानू मीरी ते पीरी का सिद्धांत दिता, नजर आते ने गुरु गोबिंद सिंह जी जिन्होंने पंचे कौम लई अपना परिवार बारिया। अगे पन्ने फरोलदे हां तां नजर आउंदा 80 साल का बाबा दीप सिंह जिहड़ा जालमां दे आहू लाउंदा खंडे खड़काउंदा, ते नजर आउंदा बाबा बंदा सिंह बहादुर जिहड़ा इट नाल इट खड़काउंदा। ते ये कहिंदे आ उन्हां दे वारसां नूं उस मिट्टी दे जायां नूं कि अपनियां जमीरां मार के साडे पैरां च आके बह जाओ, ये भुल जाओ, ये कदे संभव ना होया ते ना होना। आ साडे सामने बापू बलकौर सिंह बोल के गया, रुग भरिया जांदा कालज दे विचों रुग भरिया जांदा, उहदी दास्तान दी कहानी सुन के अखां च पानी आ जांदा। एक पंजाब दा हीरा, वो टैलेंट पंजाब दा जिन्हें हाले साडे हक्कां लई, साडी विरासत लई, साडी सभ्यता लई लिखना ते गाउणा ही शुरू कीता सी, उह चक के मरवा दिता गया। की हुंदा आपां देखदे आं कि आ जिहड़े गैंगस्टर है जिन्हां ने मारिया, मैं सारे नहीं कहिंदा पुलिस वाले इक्को जिहे आ, बथेरे पुलिस वाले दंदियां बढ़ते इस गल दे उत्ते, पर वह कालियां भेड़ां वह पैसे दे यार जिहड़े उन्हां गैंगस्टरां नूं रिमांड लिया जांदा बठिंडिओं, चलो खरड़, रिमांड लिया जांदा मुकसरों, चलो खरड़, रिमांड लिया जांदा जलंधरों, रखे जांदे आ खरड़। आपां देखिया किवें खुश हो के फुट मल आउंदे आ अंदर, इन्हां नूं सहूलतां पता कहिड़ियां दित्तियां जांदियां ने? अलाउंस फड़िया, बोलिया करो, डरिया ना करो, जिद्दे आउणी आ उहदे आ जाणी आ, अलाउंस फड़िया, पहले दो दिन माड़ी मोटी पुछ गछ की, उदू बाद हाथ नहीं लाया उन्हूं किसे ने, आ जवाइयां वांगू रखिया, खाण पीण नूं भी दिंदे रहे आ ते मोबाइल भी दिंदे रहे अंदर। आ जिहड़ा इत्थे प्रशासन कहिंदा, आ जिहड़ी सरकार कहिंदी है कि असीं इनसाफ देवांगे, सिद्धू दे घरे जाके भी आए आ, ए कैडा 1500-1800 का पलंदा तैयार कर लिया जिहनूं चलान कहिंदे आ, कोई चौंट दे बयान नहीं गवाहां दे। आपां देखिया आम तौर ते इहो जिहे केसां दे विच गवाह मुकर जांदे आ। सुखे कालों का कतल कित्थे होया सी? पुलिस हिरासत दे विच। की बनिया उह केस दा? बरी हो गया, क्योंकि इन्हां बंदियां दे हत्थ जिहड़े मारिया, जिन्हां ने सिद्धू मारिया जां जिन्ने पंजाब दे विच कतल होए आ, उन्हां दे पिछे कल्ले बंदे नहीं, इन्हां दे पिछे एजेंसियां भी खड़ियां ने। यह भारतीय एजेंसियां का काम है। हुण तुसीं देख लिओ आने वाले दिनों के लॉरेंस वर्गियां नूं कित्थे लिजाया जाऊ, तिहाड़ लेके जाणगे। पहले केस पा के कोई माड़ा मोटा
दिल्ली पुलिस जाऊगी तिहाड़ रखा जाऊगा, क्योंकि तिहाड़ इन्हां लई कोई जेल नहीं है, इन्हां दा घर ही है जिथों बैठे ये सारा अपना काम धंधा चलाउंदे आ। पर पंजाब दे लोग तुहानू कहना चाहुंदा कि बोलिया करो यार, खड़िया करो। जे कल नू सिद्धू दे इंसाफ लई सानू सड़कां दे उतरना पैंदा है, सानू किसी भी प्रकार का संघर्ष बिड़ना पैंदा है, तो उस परिवार का साथ दिओ बई। कला ये नहीं भी फेसबुक ते लिखता टिप्पणियां करतियां पोस्टा पातियां, जमीनी पद्धर दे उत्ते आके भी नाल खड़ो, ये साडा फर्ज बनता है। अज इत्थे की हो रहा है, मुकदमा दर्ज होया, इन्होंने मुकदमे दे विचों ना कढ दिता गया, बेगुनाह कर दिता गया। ये जिहड़ा मुकदमा दे विचों मैनू बेगुनाह किया गया, यह आ सोडे लोकां दी जित है, सोडे एके दी जित है, सोडे सहयोग दी जित है। पहला जदों दिल्ली ने भी सिर ते लख रुपया नाम रख्या सी तां मैं अपने पंजाब दे लोकां नू आवाज मारी सी, तां ऐसे धरती दे उत्ते तुसी मेरे नाल आके खड़े सी ते बंगारिया सी दिल्ली नू भी, ते आ मेरा पंजाब ही कहिंदा सी कि आ खड़ा लखा हाथ ला के दिखाओ। सोडा नाल खड़ना, सोडा हौसला देना मैनू अगे वध के लड़न लई प्रेरदा। मैनू भी लगता हाँ मेरे लोग पंजाब दे मेरे नाल खड़े ने। पर जेड़ा अज इसे बरतारा वापर रहा है, जो भारतीय हुकूमत जो भारतीय एजेंसियां कर रही ने, FIR हुई ना तीन, चोला साहब हरीके पत्तण ते सरहाली, उन्हां मुकदमिया दे विच वक्रो वक्रे 15-15, 20-20 मुंडे पाते, ते FIR रख दिया खुलियां कि जदों जिहनूं जी कीता फड़ के पा देंगे। आ रोज आप खबरां पढ़ते हैं, इत्थों जी टिफिन बंब फड़िया गया, इत्थों जी RDS फड़िया गया, ये सब खेड आ बई। क्यों? क्योंकि सानू डरा के धमका के दहशत पैदा करके घरां दे विच बार देना चाहते हैं, ते साडी नौजवानी नू फड़ के जेलां दे विच डक देना चाहते हैं, ताकि लोग अपने हकां लई लाम बंद ना हो सकन, कट्ठे ना हो सकन। ये चाल नू समझो, जे अज कोई मेरी बारी है, कल नू किसे होर दी आ, परसों किसे दी होर बारी है, सानू इहदे खिलाफ लड़ना पैना है। एक पासे कहा जांदा है कि लोकतंत्र है, इत्थे सब नू बोलण दी आजादी संविधान दिंदा है, दूजे पासे आपां देखदे आ मुल्क दे अंदर की हो रहा, किन्ने बुद्धिजीवी, किन्ने लिखारी, किन्ने पत्रकार जिहड़े फड़ के जेलां दे विच तुन्ने होए आ, 80-80, 90-90 साल दे बजुर्ग, 1-47 नहीं लई फिरदे कोई, वह हत्थां च कलमां ने, लिखदे ने, बोलदे ने इन्हां दे जुल्म दे खिलाफ। तुसीं देखो जिहड़ियां हुकूमतां दे कोल एडा वड्डा तंत्र होवे, एडा वड्डा प्रबंध होवे, एडी वड्डी मशीनरी होवे, वह हुकूमतां कलमां तों, वह हुकूमत आवाजा तो किमें डर जांदियां ने? क्यों? क्योंकि आवाजा ते कलमां दे विचों ताकत हुंदी है, जिहड़ी ताकत अपने लोकां नूं लाम बंद करके, अपने सुते पए लोकां नूं जगा के संघर्षां दे राह पा दिंदी है। इसे करके दुनिया भर दे जिहड़ियां हुकूमतां ने, हुक्मरान ने, जदों जदों लोग उठे है संघर्षां दे राह पए है, लोगों की अगवाई करन वाले बंदियां नूं बदनाम भी किया जाता है, जेलों में भी सुटिया जाता है, तो मार भी दिता जाता है। पर कोई परवाह नहीं,
कफन नाल लैके चलते हैं जिधर चले हैं भरावो। साडे लई पंजाब पहले इहदा मैं पहले ही कहा कि जिते आउणी आ उहदे आ ही जाणी है। मौत ना बड़ा भय खाया करो, डरिया करो भी पता नहीं ऐ ना हो जाए ऐ ना हो जाए। ये तो पल भर का पता नहीं, कोई एक्सीडेंट च मारिया जाए, कोई अटैक आ जाए, कोई होर बीमारी ना मारिया जाए, क्योंकि पंजाब है ते पंजाब कदे दबिया नहीं। जदों जदों पंजाब दे उत्ते हमलावर धाड़वी चढ़ के आए हैं तो इस पंजाब ने मूँह तोड़वा जवाब दिता, नक भन्न के वापस भेजे है। आ सी आई डी इत आई भी खड़ी होनी है, होर सी आई डी खड़ी होनी है। आ दे दो रिपोर्टा दिल्ली तक, दे दो चढ़िया केजरीवाल तक के पंजाब है। ये दर्शाता कि पंजाब किमें जाता है तो पंजाब ने किमें जाना है। जे कोई तुहानू कोई वहम है भरम है भुलेखा है कि पंजाब नूं ऐ दब लांगे तो यह वहम अपने दिलों के विचों कढ़ दिओ, ये वाकई पार दिओ। पर दूजे पासे देखो, अज वो कुड़ी जिहड़ी एक जैनी कौर जाहल उहने गीत गाया सी, बापू बलकौर सिंह भी जिक्र करके गया, उहदा गीत यूट्यूब तो हटा दिता गया। एक पासे कहिंदे बोलण दी आजादी है, उहने किहड़ी गोली मारी भी किसे दे, उहने सच बयान कीता है। सो तानाशाही दा राज आ, तानाशाही दा जो कम भारत दे अंदर मोदी कर रहा है उही कम पंजाब दे अंदर आ जिहड़ी हुकूमत आपां बड़े चावां नाल बनाई सी, बदलाव लई बनाई सी, उन्होंने शुरू करता भरावो। सो मैं सोडा फिर एक बारी धन्नवाद करदा ते तुहानू मैं सिर चुका के प्रणाम करदा, सिजदा करदा कि तुसी हमेशा नाल खड़े हो। बह जाओ भाई, गल मुक्की नहीं, सुन लो मिनट दो लाने आ, बहुत चिर दे बैठे हो, मैनू पता बैठना भी उन्ना औखा होंदा। मैं अपना एक सुनेहा इस हुकूमत नूं इस शेयर राही देना चाहना कि हर मिट्टी की अपनी खसरत, हर मिट्टी की अपनी खसरत, हर मिट्टी कुटिया भुरदी नहीं, हर मिट्टी कुटिया नहीं भुरदी, हर फटण मत्था नहीं झुकदा, हर छल बन लाया नहीं रुकदी। ये भुलेखा है कि तुसी इस मिट्टी नूं कुट के भोर लोगे, ये मिट्टी की एक अपनी कहानी है, ये मिट्टी का एक अपना इतिहास है जो खून दे नाल लिखा गया है, ये मिट्टी की एक अपनी तस्वीर है जिहड़ी बड़े बड़े जाबरां दे जालमां दे मूँह मोड़ दिंदी है। सो समझ लियो कि जदों तुहानू बंगारूगा आ पंजाब बंगारूगा, आ गुरुआं पीरां दी धरती बंगारूगी। सो मैं एक इत्थे होर ऐलान करदा कि आने वाले समय के विच इह नहीं भी अपना परचा रद्द हो गया तो आपां इत्थे खड़ जाणा है। आपां कमेटी भी बनाउण जा रहे हैं कि जिहड़े बेचारे होर नौजवान, जिवें खहरा साहब ने बहुत बड़ा मुद्दा चक्या ही पिछे यूएपीए लाया सी, उन्हां लई भी लड़ाई लड़नी है। सो भरावो जदों तुहानू आवाज मारांगे पैर जुत्ती ना पायो, हुण लड़के ही मसले हल होने हैं, संघर्षां राही मसले हल होने हैं। सो मैं धन्नवाद करदा सारिआं दा जिहड़े इस मंच ते आके बोले है, किहदा किहदा नां लवां, तुसी दुनिया के कोने कोने च बैठिया ने आवाज़ नूं बुलंद किया है ते सरकार नूं मूँह दी खाणी पई है। ते मैं एक होर छोटा जिहा सुनेहा देना चाहुंदा जो पंजाब लई बड़ा अहम है कि असी अपने बखरेने छड के, अपने मतभेद छड के, चाहे कोई बंदा किसी विचारधारा का होवे, सज्जे पक्षी होवे, खब्बे पक्षी होवे,
सानू एक दूजे के खिलाफ स्टेजा तो नहीं बोलना चाहिए, क्यों? सब का दुश्मन इको ही है, वो साडा सारा का साझा है। सानू सारिया नू कले कले नू नखेड़ के कट के कुटणगे भी, मारनगे भी, लताड़नगे भी, दबणगे भी। सो भरावो, जे भला चाहुंदे आ पंजाब दा, बहुते बंदे कह दिंदे ने कि लखा, कोई कहिंदा जी कामरेड है, कोई कहिंदा है नास्तक है, कोई कहिंदा है खालिस्तानी है। तां मैं उहनां नू कहिणा हुंदा कि लखे ने कदे लीक नहीं खिची कि जा मैं इधर हाँ तो जा मैं इधर हाँ, क्योंकि मैं पंजाब ना रहा। तुसीं देखिया दिल्ली मोर्चे दे विच भी स्टेजां दे उत्ते आपां नू किहड़े सर्टिफिकेट दे दित्ते सी, पर मैं कोई लफ्ज अपनी जबान चों नहीं कढ़िया। मैं यही कहिंदा रहा पत्रकारां नू भी कि कोई गल नहीं, इहदा जवाब, इहदा हिसाब किताब पंजाब जाके करांगे। मैं पंजाब आके भी नहीं बोलिया। क्यों नहीं बोलदा? क्यों? क्योंकि पंजाब ने हले लड़ाई शुरू करनी है, हले बहुत बड़ी लड़ाई पंजाब ने लड़नी है। तुहानू भी कहना चाहुंदा है, कोई मर्जी विचार धरा रखो, कोई मर्जी धड़ा रखो, कोई मर्जी पार्टी रखो, पर जिथे गल पंजाब दी आऊगी, जिथे गल मनुखी हकां दे घाण दी आऊगी, जिथे गल आवाजां नू दबण दी आऊगी, वह कोई भी होवे, किसी भी पार्टी का होवे, किसी भी धारा का होवे, किसी भी जथेबंदी का होवे, सानू हर उस बंदे का साथ देना चाहिए। तो मैं पंथक शख्सियतों नू भी, क्योंकि अज अपनी स्टेज पर हर वर्ग का बंदा आया, ये तुसीं देखिया होना है, ये पहली बारी होया होना है। सियासी भी, गैर सियासी भी, धार्मिक भी, किसान जथेबंदियां भी, सारे तरह के बंदे आए हैं। सो मैं भी चाहना है कि साढ़े जेड़े वख वख धारावां दे बंदे स्टेजा तो बोलते हैं एक दूजे के खिलाफ, वो बैठ के संवाद करन दी लोड़ है, विचारन दी लोड़ है, सिर जोड़न दी लोड़ है। आपां दिल्ली क्यों जिते? क्योंकि सिर जुड़े सी सिखां दे, कामरेडां दे, किसानां दे, मजदूरां दे, मुलाजमां दे, हिंदुआं दे, मुसलमानां दे, सारयां दे सिर जुड़े आपां बई तां जित के आए हैं। सो अज साडे बखरे में साडे मतभेद ओडे वड्डे नहीं जिड्डा वड्डा हमला अज पंजाब ते हो रहा है, क्योंकि पंजाब की होंद नू खत्म करनियां चालां चलियां जा रहियां ने, साडी सभ्यता नू, साडी विरासत नू मलिया मेढ कीता जा रहा है। सो इसे करके आओ कट्ठे होके लड़िए। वादा करदा छेवें पातशाही गुरु हरगोबिंद साहब की धरती तो कि मैं कदे भी अपने लोगों नू, अपने पंजाब नू कदे पिट्ठ नहीं दिखाऊंगा। कदे दगा नहीं करूंगा, कदे बेईमानी नहीं करूंगा, कदे झुकूंगा नहीं, चाहे कल नू मैनू अपनी जान गवानी पै जाए। क्यों? क्योंकि मैं संगत दे विच गल ये कह रहा, संगत गुरुआं ने कहा सवा बसबे हुंदी है। इसे करके थोड़े कोलों मैं प्रवानगी लेना चाहना कि लखे नू जिंदगी दे किसे मोड़ दे उत्ते ये नहीं देखोगे कि अज लखा पंजाब दे हितां नू बेच के, कौम दे हितां नू बेच के, पंजाब पंजाबीयत कौम दे गदारा नाल हथ मिला के बह गया। इहदे नाल मरना बेहतर समझदा है, क्योंकि मैं अपनी आत्मा ते अपनी जमीर ते कोई बोझ नहीं लैके मरना चाहुंदा कि लखा सिया तैनू पता सी तेरिया अखां दे सामने तेरा पंजाब मारिया जा रहा सी, तेरे पानी लुट्टे जा रहे सी, तेरी बोली मारी जा रही सी, तेरा इतिहास बिगाड़िया जा रहा सी, तेरी कौम की होंद नू खत्म किया जा रहा सी। तू चुप हो गया, इस करके जेलां तो डरदा, परचियां तो डरदा, मौत तो डरदा जिहड़ी एक दिन आउणी है। ये जिंदगी च कदे मौका नहीं आउणा भाई। सो मैं अखीर दे उत्ते फिर थोड़ा तहे दिलों शुक्रगुजार हाँ कि तुसीं साथ दित्ता, जिउंदे वास्ते रहो, रब राखा। जकारे दे नाल जवाब दिओ बाहां खड़ियां करके, बोले सोनिया, बोले।
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह।